सभी लोग अपने मन और वाणी को पवित्र कर रहे हैं, तो मन और वाणी ऐसे पवित्र नहीं होती। सभी लोग तालियों को बजा के जब बोलोगे तब मन और वाणी दोनों पवित्र होंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। ऐसे ही एक बार की बात है, एक पति और पत्नी दोनों साथ में जा रहे थे। जब वो दोनों साथ जा रहे थे, कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक रोड के किनारे एक छोटा बच्चा गड्ढे खोद रहा था। जब उस छोटे बच्चे को देखा, वो दोनों पति पत्नी उस बच्चे से पूछने लगे हैं, बेटा तुम ये रोड के किनारे गड्ढे क्यों बना रहे हो? अरे अगर कोई यहाँ से निकलेगा तो वो इसमें गिर जाएगा। इस बात को सुनकर उस बच्चे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है, मैंने ये गड्ढे तो रोड के किनारे बनाए हैं, जो अपने रास्ते पर चलेगा वो इसमें कभी नहीं गिरेगा, और जो रास्ते के बाहर जाएगा वो इसमें जरूर गिरेगा। जब ऐसा कहा, उन दोनों के पास कोई संतान नहीं थी, उन्होंने सोचा ये कितना मासूम बच्चा है, उससे पूछा तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? बच्चे ने बोला मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, जहाँ प्यार मिलता है बस वहाँ रहता हूँ। अब तो उन दोनों को बड़ा प्रेम आया, बच्चे से बोले हैं अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम हमारे घर चलकर हमारे पुत्र बनकर रहो। बच्चे ने कहा हम चलेंगे तो जरूर, मगर हमारी आपसे एक शर्त है। हम चलेंगे मगर हमारी एक शर्त है, वो शर्त क्या है? मुझे आपके घर में जब तक प्रेम मिलेगा हम तब तक आपके घर में रहेंगे, और जिस दिन आपके घर में प्रेम नहीं मिला हमें
हमसे नफरत हो गई या किसी को हमसे कोई दिक्कत हो गई, हम उस दिन आपके घर से चले जाएंगे। उन दोनों ने कहा, बेटा हमारे घर में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे घर में बस हम दोनों ही रहते हैं, और तुम जब हमारे साथ रहोगे तो बस हम तीन लोग हो जाएंगे, उसके अलावा हमारे घर में और कोई नहीं रहता है। वो बच्चा उनके साथ चला गया और कुछ समय के बाद महाराज उनके घर में एक दूसरे बेटे ने जन्म लिया। जब दूसरे बेटे ने जन्म लिया, वो जो पति पत्नी थे उनके मन में कुविचार आने लगे हैं। कैसे कुविचार? सोच रहे हैं, अगर हम कुछ दिन पहले इसको ना लाए होते रोड से उठा के, तो आज जो हमारा बेटा है, हमारी जो संपत्ति है, इसका अकेला मालिक होता। और अब हम जब इसको लाए हैं, अपना बेटा बनाया है, तो हमें अपनी संपत्ति के दो हिस्से करने पड़ेंगे। कुविचार आ रहा है मन में, सोचने लगे हैं, अगर हम इसको मरवा देंगे, जिसको हम लेकर आए थे उसको मरवा देंगे, जो हमारा बेटा है वो आराम से अकेले घर में राज्य करेगा। दोनों ने बहुत ही विचार किया, अब तो उसको मरवाने का तरीका भी खोज लिया है। कुछ दिन के बाद जो इनका बेटा था, उसका जन्मदिन आया है। जब उसका जन्मदिन आया, तो इन दोनों पति पत्नी ने बगीचे के बाहर एक व्यक्ति को खड़ा किया कि जब मेरा बेटा फूल लेने को आए, तुम उसको यही मार देना। जैसे ही जिस बेटे को वो लेकर के आए थे, उससे कहा, जाओ बगीचे में से फूल लेकर के आओ, आज तुम्हारे भाई का जन्मदिन है, घर में पूजा होनी है। वो खुशी खुशी फूल लेने जाने लगा, और जैसे ही वो जाने लगा, उतने में उसका छोटा भाई आ गया। उसने कहा, भैया आप ये बताओ, आज जन्मदिन किसका है? तो बड़े भाई ने जवाब दिया, जन्मदिन तो तुम्हारा है, परंतु मैया ने फूल लाने के लिए हमें भेजा है। जब वो हट करने लगा, नहीं भैया जन्मदिन तो मेरा है और फूल लेने मैं ही जाऊंगा। जैसे ही वो हट करने लगा, अब तो बड़े भाई ने कहा, चलो ठीक है तुम ही चले जाओ। जैसे ही उनका खुद का बेटा बगीचे के पास में पहुंचा है, तो जो व्यक्ति मारने को खड़ा था, अब उसको क्या पता कौन इनका बेटा है और कौन इनका बेटा नहीं है। उस व्यक्ति ने जैसे ही देखा एक बच्चा आ रहा है, जब वो अंदर जाने लगा, उस व्यक्ति ने उसे वहीं मार दिया है। जब वहीं मार दिया, अब तो जैसे ही कुछ देर के बाद जब वो वापस नहीं आया, बड़ा भाई उसे खोजने के लिए गया है। जब खोजने गया, देखा कि छोटा भाई वहां पर मरा पड़ा है। अब तो रोने लगा है, रोते रोते जब घर को आया, माता पिता ने देखा ये रो रहा है, पूछा क्या हुआ? कहने लगा, आज मेरा छोटा भाई बगीचे के बाहर मरा पड़ा है। जैसे ही इतना सुना, दोनों पति पत्नी दौड़ते हुए बगीचे की ओर चले गए हैं। जब वहां पहुंचे, देखा उनका खुद का जो बेटा था वहां मरा पड़ा है। उसका अंतिम संस्कार किया, घर को वापस आए। घर आए तो देखा बड़ा बेटा भी घर छोड़कर जा रहा है। जैसे ही देखा हमारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है, दोनों रोने लगे, अरे बेटा अब तुम तो हमें छोड़कर मत जाओ, हमारा एक पुत्र तो चला गया है, अब बस तुम अकेले बचे हो। उसने कहा, हमने आपसे कहा था कि हम जब तक आपके घर में रहेंगे, जब तक आपके घर में हमें प्रेम मिलेगा, जिस दिन से को विचार आने लगेंगे, नफरत होने लगेगी, हम आपके घर में नहीं रहेंगे। दोनों रो रहे हैं, पर उसने
कोई बात नहीं मानी, आज वो वहां से चला गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कभी भी अपने मन में किसी के लिए भी कोई को विचार नहीं लाने चाहिए। अगर आप किसी के बारे में भी गलत सोचते हो, क्या पता उसका उल्टा आपके लिए कुछ गलत हो जाए। तो कोई भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बेशक आपकी बनती नहीं है उनसे, आप बोलो मत, बात मत करो, पर किसी के बारे में कोई विचार कभी नहीं लाने चाहिए। बोल गोविंद भगवान की। आज दिन में आप सभी ने भगवान की